फ्रेंड्स इन रिकार्डियन थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो के लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में अंतर। देखिए, अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत क्या कहता है लगान के बारे में, और आधुनिक सिद्धांत जो है वो लगान के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी, रेंट इज ए पेमेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर यूजिंग द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सोइल, वेयर एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनकम एंड ट्रांसफर इनकम इज कॉल्ड रेंट। जो रिकार्डो है उनके अनुसार लगान एक ऐसा पेमेंट है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है, जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो इस कथन को बिल्कुल गलत बताते हैं। वो ये कहते हैं कि लगान उत्पत्ति के साधन को प्राप्त वास्तविक आय और स्थानांतरण आय के अंतर से होता है। एक्चुअल इनकम और ट्रांसफर इनकम में जो अंतर होता है वही लगान होता है। नाउ सेकंड इज रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज रिलेटेड ओनली टू लैंड, वेयर एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी रेंट इज रिलेटेड टू ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो रिकार्डो है उन्होंने ये बताया कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है, उसका संबंध केवल भूमि से होता है, अन्य साधनों से नहीं होता। जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो ये बताते हैं कि लगान किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है। कब? जब उस साधन की पूर्ति सीमित होती है, उसके सीमितता के गुण के कारण लगान प्राप्त होता है, तो इसका संबंध उत्पादन के प्रत्येक साधन से होता है। नाउ थर्ड इज स्पेसिफिक फैक्टर। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, लैंड इज ऑलवेज प्योरली स्पेसिफिक फैक्टर, वेयर एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक फॉर ए पार्टिकुलर यूज। रिकार्डो ये बताते हैं कि भूमि सदैव पूर्णतया विशिष्ट साधन है, क्योंकि जो भूमि है उसकी पूर्ति पूर्णतया बेलोसार होती है। जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके सिद्धांत के अनुसार भूमि की पूर्ति एक विशेष उपयोग के लिए बेलोसार होती है, तो दूसरी स्थिति में पूर्ति क्या हो सकती है? लोचदार भी हो सकती है भूमि की पूर्ति। नाउ मेजरमेंट ऑफ रेंट। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, मेजरमेंट ऑफ रेंट ऑफ लैंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस ऑफ इंट्रा मार्जिनल लैंड, वेयर एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी द रेंट इज मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनकम एंड ट्रांसफर अर्निंग। अब जो लगान की माप की बात करें तो रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार भूमि पर लगान का माप अधिसीमांत भूमि की उपज तथा सीमांत भूमि की उपज में जो अंतर होता है उसके बराबर उन्होंने बताया है। जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार या आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान का मेजर साधन की एक्चुअल इनकम और ट्रांसफर इनकम के जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसके द्वारा होता है। जब हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल इनकम में से हस्तांतरण आय घटाने के बाद जो प्राप्त होता है शेष, वो लगान होता है। नाउ कॉजेज ऑफ रेंट। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, द डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, डिफरेंस इन सिचुएशन ऑफ लैंड एंड एप्लीकेबल ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आर द मेन कॉजेज ऑफ रेंट, वेयर एज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और देयर सिंगल बींग लेस देन परफेक्टली इलास्टिक इज द मेन कॉजेज फॉर इमर्जेंस ऑफ रेंट। जो रिकार्डो हैं उन्होंने तीन कारण बताए हैं लगान के उत्पन्न होने के: भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, भूमि की स्थिति में अंतर, और तीसरा उत्पत्ति हास नियम जो लागू होता है। इन तीनों के कारण लगान उत्पन्न होता है। जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो ये बताते हैं कि लगान साधन विशेष की जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी सीमितता या उनकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम होने के कारण होता है। इट मीन्स लगान के उत्पन्न होने का कारण क्या है? साधन की विशेषता है, विशिष्टता है। नाउ स्कोप
द स्कोप ऑफ रिकॉर्डिंग थ्योरी इज नैरो. क्यों? क्योंकि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है. इट मीन्स लगान का जो विश्लेषण है वो केवल भूमि के संदर्भ में ही किया जा सकता है, उसके अलावा किसी और को प्राप्त नहीं होता. जबकि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्र यह बताते हैं कि लगान उत्पत्ति के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है या प्रत्येक साधन को प्राप्त हो सकता है. तो इसमें लगान का जो विशेषण उत्पत्ति के सभी साधनों के संदर्भ में किया है, इसका स्कोप जो है वो वाइड है. नाउ यूटिलिटी ऑफ थ्योरी. रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट इज बेस्ड ऑन इम्प्रैक्टिकल अजम्पशन, सो इट डज नॉट हैव मच यूटिलिटी. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जिसकी मान्यता है वो अव्यवहारिक मान्यता है, इसलिए अधिक उपयोगी नहीं है. जबकि जो लगान का आधुनिक सिद्धांत है वास्तविकता के अधिक निकट होने के कारण अधिक उपयोगी है. नाउ रेंट एंड प्राइस. रेंट एंड प्राइस. अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट हैज नो इफेक्ट ऑन प्राइस, बट प्राइस हैज इफेक्ट ऑन रेंट. वेयर एज रेंट हैज इफेक्ट द प्राइस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. तो जो रिकार्डो की बात करें लगान सिद्धांत की, तो उन्होंने यह बताया कि रेंट प्राइस पर इफेक्ट नहीं डालता है बल्कि प्राइस से इफेक्ट होता है. जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो ये बताते हैं कि रेंट हैज अफेक्ट द प्राइस. तो ये कुछ अंतर है आधुनिक सिद्धांत और प्रतिसिद्धांत में. थैंक यू सो मच.